तुम वादा नहीं निभाए, वादा को तुम तोड़े। जो वादा लोगों के लिए किया था वो वादा को आप तोड़ दिए हैं, वादा आप नहीं निभाए। जितने भी वादा करे थे पूरे वादा को आप तोड़े। बात की बात बात, मैं रेवंत रेड्डी से ये बात भी बोलना चाह रहा था, आप सच बताना था लोगों को। महाराष्ट्र में जो केसीआर साहब सरकार थे, केसीआर साहब हर साल में किसानों को खेती के लिए 10,000 रुपये देते थे, वो स्कीम मैं बंद करा बोल के आप रेवंत रेड्डी बोलना था, क्यों नहीं बोले? आप बंद कर दिए ना, परसों खरीफ में 1 रुपया भी नहीं दिए। पिछले सरकार ने जो रईत बंधु के नाम पे 10,000 रुपये हर साल देते थे, वो स्कीम को मैं बंद करा बोल के रेवंत रेड्डी बोलना था। जो केसीआर साहब ने सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ तो केसीआर किट दे के 13,000 रुपये देते थे, वो स्कीम को मैंने बंद करा बोल के आप महाराष्ट्र में बोलना था। रमजान के लिए, दशहरे के लिए, क्रिसमस के लिए केसीआर साहब ने गरीब लोगों को कपड़ा देते थे, मैंने वो स्कीम बंद करा बोल के रेवंत रेड्डी बोलना था। ये सब क्यों नहीं बोले? हम महालक्ष्मी बोल के 100 दिन के अंदर महिलाओं को 2,500 रुपया देते बोल के बोले? 100 दिन नहीं, 335 दिन हो गया, अभी तक महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया बोल के सच बोलना था रेवंत रेड्डी जी। आप बोलना था किसानों के लिए, आप जाके महाराष्ट्र में बोले पैडी को मैं बोनस दे रहा हूं, लेकिन आप पैडी को नहीं दे रहे, सिर्फ पैडी में थोड़े लोगों को दे रहे, सबको नहीं दे रहे तुम। जब इलेक्शन में बोले सब क्रॉप्स के लिए आप बोनस देंगे, अभी दे रहे ओनली फाइन वेराइटी के लिए आप बोनस दे रहे, लेकिन महाराष्ट्र में बोले धान को मैं बोनस दे रहा हूं एमएसके, वो भी गलत बोले, वो भी बोलना था मैं पूरा नहीं दे रहा हूं बोल के। और आप बोल रहे थे यहां बेवा बूढ़ा लोगों का पेंशन, आते ही कांग्रेस हुकूमत आते ही आप 4,000 रुपया हर महीना देते बोल के बोले, लेकिन मैं नहीं दिया। जो पुराना सरकार बीआरएस सरकार ने 2,000 दे रहा है वही दे रहे, उसमें भी 1-2 महीना मैं कट कर दिया बोल के बोलना था। आपने भगवान के ऊपर कसम खा के मैं 15 अगस्त तक पूरा किसानों का कर्जा माफी करता बोल के वो वादा को मैं थोड़ा बोल के बोलना था। क्या बोले आप? किसानों का जितना भी कर्जा है 15 अगस्त तक पूरा कर्जा माफी कर तुम बोल के हर भगवान के ऊपर आप कसम खाए ना, वो कसम को भी मैं थोड़ा बोल के बोलना था महाराष्ट्र में जाके। ये सच बात क्यों नहीं बताए? आप बोलते हैं कि महाराष्ट्र को मैं सच बताने के लिए आया, लेकिन आप बोला पूरा झूठे बात, गंदे बात बोला। जो वादा तोड़ा है वो कुछ भी महाराष्ट्र में आप नहीं बोला है, ये लोग समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में आज जितने भी वादा करे, एक भी जो 100 दिन में करते बोल के बोले, उसमें 6 गारंटी बोल के बोले, उसमें कोई भी पूरा पूरा नहीं हुआ। पूरा जुमला है, जितने वादा पूरा जुमला करे हैं।